आपको ऐसा लगता है ना, रील बनाना आसान है। देखो गाइस अंकिता भी दिख रही है सिल्वर प्ले बटन में, वाओ क्या बात है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। मैंने मना किया था अंकिता को कि तू चाय बनाने मत जाना, मैं बना दूंगा आज, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन फिर भी उठ के आ गई। मना करने के बाद भी चाय बना रही है, वाह बोलो। मैंने बोल दिया था मैं बना दूंगा, तेरी तबीयत सही नहीं है। इसको नए हुए भी कम से कम 2 दिन हो गए, तो इसको बोलूंगा कि अभी ना तो तू थोड़ी सही हो जाएगी, बीमार हो गई फालतू में। ऐसे तो मैं तेरे को 10 दिन का ही छोड़ के चला जाऊँ तो तू मरी जाए। यही है बस। संकिता के लिए हल्दी वाला दूध कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो थकान है वो मिट जाएगी। तबीयत खराब होती है ना तो आदमी थक जाता है, मतलब पता नहीं चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। सुबह की चाय आ चुकी है गाइज, मस्त अंकिता लेके आ गई है। कपड़े कल ही धो लेना, पूरे कपड़े तो गंदे हो रहे, क्या कल धो लेना? कोई बात नहीं, कल धो लेना तो मत धो, आज बीमार हो जाएगी ना फिर ज्यादा यार। है पर थोड़े से तो कपड़े कौन से करना? मैं कराऊं, हेल्प कराऊं तेरी? गाइज अभी जा रहा हूँ बाजार में सब्जी वब्जी लेने, क्योंकि सब्जी नहीं है, मैं तो अभी नया भी नहीं हूँ, सुबह सुबह बनाने का मन नहीं करता। गया हूँ तब से ये टेंशन करके बैठी, पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब आएगा। टेंशन में बुखार आ गए, फिर बुखार आने के बाद में सिर दर्द, ये जो छोटा मोटा होना था वो हो गया। 2 दिन तो उसको नए हुए हो गए, पानी ख़त्म हो गया तो ये पानी नहीं ला सकती, खारे पानी से इसने सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और क्या ही बोलूँ इसके बारे। अभी तक मैंने इसको सिल्वर प्ले बटन नहीं बताया क्योंकि फिर पूरा मजाक करकला हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले देखेगी इसका क्या रिएक्शन आएगा, वो तो फिर कैमरे में कैद होगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले साग भाजी लेके आ जाता हूँ, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में आपको सिल्वर प्ले बटन दिखाएंगे, तो देखते हैं अंकिता का क्या रिएक्शन होता है। मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं कैसा होगा सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि मैं सबके वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब देखूँ कैसा है सिल्वर प्ले बटन, कब उसको हाथों में लूँ सही में, दिखा दो ना। तो अभी दिखा दूंगा, बस थोड़ा ही वक्त है। थैंक यू सो मच गाइज कि आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, आपको भी थैंक यू मेरे पति देव मस्तराम जी। मार्केट चल रही है? नहीं मैं नहीं जाऊँगी गाइज, इनका प्लान पता है क्या है कि बाहर जाएगी ना तो इंजेक्शन दिला के लाऊंगी, जबकि मैं बोल रही हूँ मैं ठीक हूँ, अभी तो इंजेक्शन की जरूरत भी। मैंने उसको रात बोला था कि सुबह मार्केट चलना मेरे साथ, तो तेरे को दिखा दिलाऊंगा, तो ट्रिकी वजह से मार्केट भी नहीं जा रही। मैं बोल रहा हूँ कुछ खा पी के आएंगे, चल तो यहाँ पे ले आना खाने पीने का, मैंने बोल दिया इनको कि यहाँ पे ले आना जो भी लाना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, उधर पकड़ के मेरे को हॉस्पिटल ले गए। तो कहीं अंकिता डर गई कि मैं बाजार नहीं जाऊंगी, तो अभी मैं अकेला जाके आता हूँ, बने रहो बोलो। गाइज मार्केट जाके घर पे आ गया हूँ, और साग भाजी आटा वाटा बहुत सारा सामान खत्म हो गया था, सब लेके आया हूँ। गाइज छाछ 10 किलो आटा, गाइज गोभी इतनी महंगी है ना पूछो मत, 100 रुपये किलो है, और मिर्ची बहुत महंगी है, और टमाटर भी बहुत महंगे हैं। आलू सूजी शक्कर दाल सब खत्म हो गई थी, सब लेके आया हूँ, क्या बात है। अंकिता ने आज बिल बना दिया 1000 रुपये का, खाएंगे तो बनेगा ना? हाँ ये बात, खाएंगे नहीं तो थक जाएंगे, फिर अपन पतले जाएंगे तो सब बोलेंगे खाना नहीं खाते क्या। ये बात सही है, लेकिन आज देखो कितनी खुश होकर बोल रही है, आया था ना उस दिन तो इसकी पूरी रौनक ही खत्म हो गई थी, पूरी चलकाई खत्म हो गई थी, ऐसी हो रही थी जैसे मरेगी है, लेकिन अभी खुश नजर आ रही है, सही है। इसको छोड़ के जाना और खुद को खतरे में डालना है, मैं जयपुर भी घूम के नहीं आ सका इसके चक्कर में, फटाफट आना पड़ा मेरे को। धन्यवाद आपका गाय जी, फॉर्मेलिटी कर रही है अभी, जैसे वीडियो बंद करूंगा बोलेगी हाँ तो गुणी फरवा कर मारी, तू तो खाए न कर। थैंक यू वाली बात नहीं भाई, मेरा हस्बैंड वाला मैं फर्ज निभा रहा हूँ, और क्या क्या बोल रही है? कुछ नहीं, रील बनाना है ना, तो रोकी रही है तू रील बनाने के लिए? तो सचमुच रो रही है? तो रील बनाने के लिए सर में रो रही है? आपको ऐसा लगता है ना रील बनाना आसान है, पर कितना मुश्किल है, कितना रोना पड़ता है। अरे बारे गाइस देखो सचमुच रो रही है, मैंने बोला रील बनानी है आज इमोशनल, तो सचमुच इधर आके रो रही है, सचमुच की एक्टिंग कर रही है, खतरनाक यार। बाबू ऐसे क्यों कर रही है, रील बनाने के लिए रोती नहीं है? ऐसे मैं कर दूंगा तेरे को, मैं ऐसे मतलब बना दूंगा, एडिटिंग कर दूंगा, उसमें रोना जाएगा, ऐसे सचमुच नहीं रोते हैं। पागल है, देखो गाइस कितनी पागल है, सचमुच रो रही है इधर आके इस बच्चे को देख देख के, अरे क्यों रो रही है कि रील बनानी है आज, इमोशनल वाली रील बनानी है इसलिए मैं रो रही हूँ, हद हो गई यार, ये तो पता नहीं फिल्टर लग गया होगा झूठ में, आप देख सकते हो ब्लॉग के अंदर, ये सचमुच रो रही थी।
एक्टिंग करना है, छोटी मोटी बात नहीं है भाई, सचमुच रो रही थी ये, ऐसा नहीं रोने का, ठीक है? मेरे को कोई मतलब कुछ भी बोल देना, मेरे को रोना ही आ जाता है। पागल है, पागल है। गाइस अभी के खाने में रोटी, आलू गोभी की सब्जी और छाछ। रंकिता भी रोटी चपोड़ रही है। अंकिता की तबीयत अब सही लग रही है और आपको दिखाएंगे गाइस सिल्वर प्ले बटन, तो अंकिता का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो हम मतलब सो गए थे खाना वाना खा के, मेरी तो तबीयत वैसे डाउन थी और मस्त राम जी कल थक गए थे, वहाँ से आए थे तो वो भी बहुत हारे थके थे तो वो भी सो गए, मैं सो गई। तो जस्ट अभी उठे और उठ के नहाए नहीं थे तो गए बाथरूम में नहाने और मैंने बोला इनके आप आ जाओ ना के। गाइस बाहर तो इतनी खतरनाक बारिश आ रही है ना, सही में बादल भी गरज रहे हैं और बहुत तेज बारिश आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आने वाली है। और मैं तो सिल्वर प्ले बटन देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं रहे, बोल रहे अभी दिखाऊंगा। मतलब सुबह बोले थे कि नहा लेते धो लेते खाना वाना खा लेते उसके बाद दिखाएं, तो फिर सो गए। मैंने अभी भी बोला था कि अभी दिखा दो, तो कि नहीं मैं नहा के आता हूँ उसके बाद दिखाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है शाम तक ही नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं दिखाएंगे ना, मैं अकेले देख लूंगी। हाँ मैं अकेले अनबॉक्स करके अकेले देख लूंगी, भले ही नहीं दिखाए लेकिन देखते हैं क्या बोलते हैं, अभी ना के आएंगे तो फिर बात करते हैं इनसे। गाइस मस्त राम जी नहा धो के अभी आए जस्ट, तो ये भगवान जी की पूजा वूजा आज यही कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। गाइस अंकिता लेके आ गई है सिल्वर प्ले बटन, निकाल रही है अब, निकाल इसको देख कैसा है। वाओ मैंने तो इसको देख लिया, मेरे को तो मजा आ गया। देखो गाइस अंकिता भी दिख रही है सिल्वर प्ले बटन में, वाओ क्या बात है, ये लिखा हुआ है देव संगीत राजस्थान 1,00,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब। अब कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा इतनी मतलब कीमती चीज को पाकर, इसको पैसों में भी नहीं खरीद सकते, किसी में भी नहीं खरीद सकते, बिल्कुल। और ये मेहनत की कमाई है सबसे बड़ी चीज है ना, आपने दिन रात एक करके इसको कमाया है, मतलब बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही में। गाइस मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे मस्त राम जी जब हम नहीं आए थे ना यहाँ पे, उसके पहले एक चैनल चलाते थे देव संगीत राजस्थान, उस पर म्यूजिक डालते थे, उस पर 1,00,000 सब्सक्राइब हो गए थे हमारे जस्ट आने के बाद, हम 90,000 सब्सक्राइब छोड़ के आए थे उस पर, तो 1,00,000 कंप्लीट होने के बाद ही मिल गया था। लेकिन क्या है ना कि किसी के पास था, और जो भाई हमारा चैनल चलाता था उसके पास था, तो अभी मस्त राम जी गए तो लेके आए, और अभी तो उस पर 2,00,000 सब्सक्राइब हो गए, ब्लॉग वाले चैनल पे भी 50,000 प्लस हो गए। हम उम्मीद करेंगे, वो बड़ा वाला चैनल तो डेड हो गया गाइस, जिसपे क्या व्यूज नहीं आते अब, और क्योंकि उसमें मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं ब्लॉग वाला यूट्यूब चैनल है इसको बहुत आगे लेके जाना है, मेरे को इसका बहुत लंबा सफर बनाना है, तो आप इसमें इतना सपोर्ट करना कि हम कहीं रुके नहीं अटके नहीं। अब मैं इसको इधर कहीं ना कहीं सेट करके और फिर ब्लॉग बनाऊंगी। हेलो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे, तो हमारे प्ले बटन पीछे गाइस क्या बात है, आज कुछ और अंकिता यही डायलॉग मैंने मारा था, यही बात मैंने बोली थी कि हेलो गाइस ऐसे ऐसे मैं बोलूंगा, मेरे भी दिल में वही है तेरे भी दिल में वही है, क्या बात है, दिल तो एक ही है ना, दिल तो एक ही है, सही बात है। आज बहुत खुश है, बहुत इसको तो भाई 3 साल से मिस कर रहे थे हम, क्योंकि हमारे आने के बाद में ही आ गया था। अंकिता का रिएक्शन आपको देखने को मिल ही गया है, कैसा है, बहुत मजा आया, इसको बहुत खुश है, ये बीमारी दूर हो गई इसकी, ये है ना मैंने इसको बोला सिल्वर प्ले बटन लेके आया हूँ मैं तेरे लिए, तब से खुश है ये, बिल्कुल मस्त है, इसकी बीमारी दूर हो गई। कितने बुरे हो आप, अभी तो देखा ना मैंने, सुबह से नहीं दिखा रहे, सुबह से इतने बुरे आदमी है ना, जो मैंने देखा नहीं क्या मैंने तो देख लिया ना। हाँ देख लिया ना, लेकिन अभी देखा तेरे को तो अच्छा लगा ना, अभी तू सुबह देख लेती फिर मैं वीडियो बाद में बनाता तो फिर रिएक्शन नहीं आता, मैं सोच रहा था कि जो ओरिजिनल रिएक्शन है वो मुझे चाहिए, इसलिए पहले क्या सोचती थी भाई ये नहीं रहता चांदी का, ये रहता है नहीं, इस पे परत चढ़ी होती है चांदी की साइड सिल्वर की, ये कुछ भी हो लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना, ये यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट है, बहुत कम नसीब वाले को मिलता है ये। हाँ। कितने यूट्यूबर है लेकिन वो सबको तो नहीं मिलता है ना, सबको नहीं मिलता है। हाँ 1,00,000 सब्सक्राइब करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, हम तो मतलब आपने तो चलो 1 साल में कंप्लीट कर लिए थे, अब मेरे को भी इतना प्यार और सपोर्ट करेंगे सब, मतलब यूट्यूब फैमिली सब, तो मैं भी शायद जल्दी मेरा प्ले बटन आ जाएगा, जल्दी आएगा तेरा, मेरे से भी जल्दी आएगा तेरा। हाँ। मेरे को 12 महीने लगे थे, तेरे को 12 महीने नहीं लगेंगे, क्योंकि तेरे को प्यार सपोर्ट भी तो इतना ही करती है ना, सब फैमिली परिवार सब अच्छे से रखते हैं तेरे को, सब तेरा ख्याल रखते हैं, अच्छी अच्छी कमेंटें करता है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आप सभी का, तो
गाइस थैंक यू सो मच, आपके प्यार और सपोर्ट से संभव हो पाता है, हमको ये मिला है और हम आशा करेंगे कि आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे और जल्दी हम अंकिता मसराम ब्लॉग से यूट्यूब चैनल से भी सिल्वर प्ले बटन आ जाए। तो गाइस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे। तो गाइस इसके साथ फोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं थंबनेल के लिए, थंबनेल में भी काम आ जाएगा। उसको क्या देखी जा रही है, नजर लगाएगी क्या? नजर न लाग मारी प्यारी नजर से देख रही थी, प्यारी प्यारी प्यार इतना करती मैं इससे। आज अंकिता को मैंने सिल्वर प्ले बटन किया था, कितना मस्त रिएक्शन आया था, आज बहुत खुश है वो। गोभी के खाने में गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी हुई जो सुबह खाए थे, क्योंकि हम एक ही टाइम सब्जी बनाते हैं, आपको हमने पहले बताया, और रोटी। आज के ब्लॉग में कुछ नहीं था, बस यही उठे खाना वाना खाए और घर का ही ब्लॉग था, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए कुछ बाहर भी नहीं गए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।